वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक्टोवेक में। जैसा कि फ्रेंड्स आप सभी को पता है, हमारा यूट्यूब चैनल ग्राम पंचायत और ग्राम पंचायत से रिलेटेड पोर्टल के बारे में आप सभी को सारी डिटेल उपलब्ध कराता है। तो आज का हमारा ये वीडियो फ्रेंड्स संबल कार्ड से संबंधित है। जैसा कि आप सभी को पता ही होगा फ्रेंड्स कि ग्राम पंचायत में जो नागरिक हैं वो CSC के माध्यम से या ऑनलाइन के माध्यम से संबल कार्ड के लिए आवेदन जो है वो करते हैं फ्रेंड्स। तो वो जो ग्राम पंचायत की जो संबल पोर्टल की यूजर आईडी और पासवर्ड है फ्रेंड्स, जो उपलब्ध कराया गया था शासन की तरफ से संबल कार्ड के सत्यापन के लिए फ्रेंड्स, तो उसका लॉगिन कुछ इस तरह से दिखाई देता है फ्रेंड्स। तो आप इस लॉगिन से किसी नागरिक का संबल का पंजीयन, संबल के आवेदन का सत्यापन कैसे करेंगे और उनके पंजीयन का सत्यापन कैसे करेंगे फ्रेंड्स, ताकि उनका जो संबल कार्ड है वो बन जाए फ्रेंड्स और उनका संबल में पंजीयन सफलतापूर्वक हो जाए। तो इसके लिए जैसे कि आप सभी को पता है, सबसे पहले तो पोर्टल में आवेदन करना होता है, जो कि नागरिक स्वयं कर सकते हैं या आप भी कर सकते हैं फ्रेंड्स पब्लिक पोर्टल पे। उसके बाद वो आवेदन फ्रेंड्स ग्राम पंचायत में जो GRS या सचिव महोदय की जो आईडी है उसमें शो होने लगता है। फिर वहां से आपको कैसे जांच रिपोर्ट जारी करना है और सत्यापन उसका कैसे करना है, इसी विषय पर आज के इस वीडियो में हम जानेंगे। तो इसके लिए आपको सबसे पहले पूरा जो फॉर्म आता है फ्रेंड्स, संशोधित प्रपत्र आपने आपको मालूम ही होगा फ्रेंड्स, उस प्रपत्र को आपको पूरा फिल कर लेना है। और उसमें तीन जो मेन जो वो पेज होते हैं फ्रेंड्स, तीन प्रपत्र जो होते हैं उनकी आपको फोटो, उसको पूरा भर के फोटो खींच के और उसकी आपको PDF बना के रख लेना है। तो चलिए मैं आपको वो तीन प्रपत्र कौन से हैं उसके बारे में फ्रेंड्स, जब आप यहाँ पर जांच रिपोर्ट जारी करने वाले ऑप्शन पे आएंगे और यहाँ पर जब आप जांच रिपोर्ट के लिए यहाँ पर क्लिक करेंगे फ्रेंड्स श्रमिक के संबल के आवेदन के सत्यापन के लिए, तो आपको यहाँ पर देखिए तीन प्रपत्र आपको यहाँ पर जो है वो यहाँ से अपलोड करने पड़ेंगे फ्रेंड्स, पोर्टल में अपलोड करने पड़ेंगे PDF बनाकर। तो देखिए सबसे पहला जो प्रतिवेदन होता है फ्रेंड्स, ये जाँच रिपोर्ट वाला होता है, जो पंजीयन अनुशंसा वाला है। उसके बाद दूसरा सत्यापन प्रमाणीकरण, इसमें कृषि वगैरह का होता है फ्रेंड्स, ये जिसमें पटवारी साहब के साइन होते हैं। उसके बाद तीसरा जो है वो कथन पंचनामा जो होता है फ्रेंड्स, उसको आपको फिल करना होगा। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको जांच रिपोर्ट पंजीयन वाले ऑप्शन पे क्लिक करके दिखा देता हूँ कि वो PDF कैसा होता है। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये इस तरह का एक PDF होता है। यहाँ पर आप देखेंगे सबसे पहला ये वाला है फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है यहाँ पर ये जाँच रिपोर्ट वाला है, पंजीयन अनुशंसा वाला। उसमें यहाँ पर आप देखेंगे कि इधर श्रमिक का नाम रहेगा, उनके ग्राम का नाम रहेगा, श्रमिक की आयु आधार कार्ड के अनुसार, उसके बाद श्रमिक का नाम रहेगा और उसके बाद जांच अधिकारी के साइन, यानी कि यदि आप सचिव महोदय हैं तो सचिव महोदय के साइन, यदि आप GRS महोदय हैं तो उनके साइन आप यहां पर करेंगे। उसके बाद ये पूरा प्रपत्र है फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको इसे प्रिंट कर लेना है, पूरा भर लेना है फ्रेंड्स। उसके बाद इसको जो है वो मोबाइल से ही सिंपली फोटो खींच कर इसकी जो है वो PDF बना लेना है। तो पहला तो प्रपत्र ये जाँच रिपोर्ट वाला हो गया फ्रेंड्स, ये सबसे पहले जाँच रिपोर्ट वाला ये एक प्रपत्र हो गया फ्रेंड्स। उसके बाद दूसरा प्रपत्र है यहाँ पर आप देखेंगे सत्यापन प्रमाणीकरण वाला। तो यहाँ पर ये सत्यापन प्रमाणीकरण फ्रेंड्स ये कृषि वाला होता है, तो चलिए हम इसे भी देख लेते हैं फ्रेंड्स। आप यहाँ पर देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देखेंगे प्रमाणीकरण जन्म दिनांक का, ये जन्म दिनांक का प्रमाणीकरण वाला है फ्रेंड्स, जो यहाँ पर इनकी आयु श्रमिक की, उसके बाद पंचायत सचिव महोदय के यहाँ पर साइन रहेंगे। उसके बाद आप देखेंगे कृषि का है, यदि यहाँ पर कृषि जो है वो पटवारी साहब यहाँ उनके खसरे वगैरह से बही वगैरह से देख के ऑनलाइन यहाँ पर फिल करेंगे, उसके बाद पटवारी साहब के यहाँ पर साइन रहेंगे। यदि फ्रेंड्स यहाँ यदि तेंदुपत्ता श्रमिक है फ्रेंड्स, कोई श्रमिक जैसे वनग्राम वगैरह में रहता है, तेंदुपत्ता का वगैरह का काम करता है, तो यहाँ पर ये डिप्टी रेंजर के या वन विभाग के, जिसमें वन विभाग में फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे जो बीट गार्ड वगैरह होते हैं फ्रेंड्स वन विभाग में, तो बीट गार्ड वगैरह के साइन यहाँ पर होंगे। जैसे आप सभी को पता ही होगा फ्रेंड्स, वन में जो रहते हैं जिसे आप वन रक्षक भी कहते हैं या बीट गार्ड कहते हैं, उनके साइन यहाँ पर होंगे और वो प्रमाणीकरण करेंगे कि इनका कार्ड श्रम, इनका जो हो वो श्रमिक, इसका तेंदुपत्ता श्रमिक का कार्ड है। उसके बाद यदि कोई घुमक्कड़ अर्ध घुमक्कड़ जाती है तो उसका यहाँ पर रहेगा, जिसका प्रमाणीकरण पटवारी साहब करेंगे। तो फिलहाल फ्रेंड्स आप यहाँ पर इतना, बहुत कम लोगों के पास ये पात्रता होती है, ज़्यादातर पात्रता ये फ्रेंड्स कृषि प्रमाणीकरण क्यों करने की बस ज़रूरत होती है। उसके बाद अगला PDF यहाँ पर आप देखेंगे फ्रेंड्स, ये कथन पंचनामा वाला है, तो चलिए हम इसे भी डाउनलोड करके देख लेते हैं फ्रेंड्स, ये कथन पंचनामा वाले PDF को। तो ये तीनों ही फॉर्म को आपको फ्रेंड्स फोटो खींच के PDF बना के रख लेना है। यहाँ पर आप देखेंगे कथन पंचनामा वाला
परिवार का कोई एक सदस्य और गांव के तीन नागरिक स्थानीय व्यक्तियों के द्वारा इसे भरा जाएगा, परिवार के एक सदस्य के द्वारा भरा जाएगा, हस्ताक्षर यहां कराएंगे, उसके बाद पंजीयन पंचनामा में आप सारी डिटेल यहां पर लिखेंगे, फिर चार स्थानीय व्यक्तियों के नाम, हस्ताक्षर और मोबाइल नंबर आपको यहाँ पर फिल करना है। उसके बाद आप यहाँ पर पंच या सरपंच वगैरह के साइन करवा सकते हैं स्थान, और उसके बाद जांच अधिकारी जो भी हैं सचिव महोदय जीआरएस महोदय उनके साइन फ्रेंड्स यहाँ पर होंगे। तो ये पूरे तीन प्रपत्र हैं फ्रेंड्स, तीनों प्रपत्र को आपको जो है वो पीडीएफ बना के रख लेना है। तो चलिए फ्रेंड्स पीडीएफ आपने बना लिए और उसके बाद हम बताते हैं कि अब आपको पोर्टल में लॉगिन कैसे करना है और किसी भी श्रमिक का सत्यापन कैसे। फ्रेंड्स इसके लिए आपको सिंपली अपने मोबाइल फ़ोन में कोई भी एक ब्राउज़र या फिर कंप्यूटर लैपटॉप में आपको एक ब्राउज़र ओपन कर लेना है और यहाँ पर आप सर्च बार में उसके टाइप करेंगे फ्रेंड्स सर्च में संबल पोर्टल। संबल पोर्टल टाइप करने के बाद जब आप सर्च करेंगे तो आपके सामने इस तरह की पहली वेबसाइट ओपन हो जाएगी sambal.mp.gov.in। तो आपको सिंपली इस ग्रीन कलर वाली वेबसाइट पर कर देना है क्लिक। जब आप इस वाली वेबसाइट पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये फ्रेंड्स मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल 2.0 पोर्टल के जो है वो ऑफिशियल वेबसाइट यहां पर ओपन होके जाएगी। फ्रेंड्स आप यहां पर देख सकते हैं ये वेबसाइट श्रम विभाग के द्वारा संचालित की जाती है। फ्रेंड्स यहां से आप देख सकते हैं। उसके बाद आपको फ्रेंड्स चूंकि हमें यहां पर लॉगिन करना है फ्रेंड्स, और यदि आपको आवेदन करना है तो आवेदन आप पंजीयन हेतु आवेदन करने वाले ऑप्शन से आवेदन कर सकते हैं। क्योंकि आवेदन ग्राम पंचायत में काफ़ी नागरिकों ने कर चुके हैं फ्रेंड्स, तो उनका हमें सत्यापन करना है। तो इसके लिए आप यहां पर ये लॉगिन वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है, तो सिंपली आपको यहाँ पर इस लॉगिन वाले ऑप्शन पे कर देना है क्लिक। तो लॉगिन वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपके सामने जनकल्याण पोर्टल पर लॉगिन करने हेतु सूचना वाला ऑप्शन आएगा। यहाँ पर आप देखेंगे कृपया जनकल्याण पोर्टल पर लॉगिन करने हेतु जनकल्याण पोर्टल का यूजर आईडी नाम और पासवर्ड का उपयोग करें। समग्र SPR पोर्टल के यूजर नाम और पासवर्ड को जनकल्याण संबल पोर्टल पर लागू नहीं किया जा सकेगा। यह बोल रहा है फ्रेंड्स कि यदि आपको इस पोर्टल पर लॉगिन करना है तो आपको इस पोर्टल का जो अलग यूजर आईडी और पासवर्ड है उसी यूजर आईडी पासवर्ड को इसमें फिल करना है। उसके बाद आप देखेंगे इस तरह का आपके पास लॉगिन करें वाला ऑप्शन दिखाई देगा। तो सिंपली आपको जो यूजर आईडी और पासवर्ड मिला है फ्रेंड्स, यहाँ से यूजर आईडी और यहाँ से जो पासवर्ड मिला है इसको आप यूजर आईडी और पासवर्ड को फिल कर देंगे। फ्रेंड्स यहाँ पर यूजर आईडी और पासवर्ड फ्रेंड्स अलग तरीके से मिला था। आपने फ्रेंड्स यूजर आईडी तो मिला है फ्रेंड्स, लेकिन पासवर्ड इसमें आपको ही बनाना रहता है। यदि आपने अभी तक नहीं बनाया है तो कमेंट कीजिएगा, मैं यूजर आईडी और पासवर्ड कैसे बनाते हैं इस पर भी एक वीडियो बना दूंगा। तो फिलहाल यहाँ पर यूजर आईडी पासवर्ड और ये जो कैप्चा दिखाई दे रहा है फ्रेंड्स एज इट इज आपको इस बॉक्स में फिल कर देना है और उसके बाद सिंपली इस लॉगिन वाले ऑप्शन पे कर देना है क्लिक। तो चलिए हम ये यूजर आईडी और पासवर्ड यहाँ पर फिल कर देते हैं फ्रेंड्स। उसके बाद आप देखेंगे इस कैप्चा को हम यहाँ पर फिल कर देते हैं। देखिए फ्रेंड्स इस कैप्चा को हमने यहाँ पर फिल कर दिया है। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर हम चलिए लॉगिन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स हमने लॉगिन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दिया है, इस पोर्टल पर लॉगिन कर फ्रेंड्स आप कुछ समय बाद हो जाएंगे। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स फाइनली हम इस पोर्टल पर लॉगिन हो चुके हैं। आप यहाँ पर देखेंगे असंगठित शहरी एवं ग्रामीण कर्मकार कल्याण मंडल श्रम विभाग मध्य प्रदेश शासन, यहाँ पर आप देख सकते हैं यूजर प्रोफाइल में आप यहाँ पर क्लिक करके यूजर आईडी पासवर्ड की प्रोफाइल देख सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पर संबल 2.0 आप यहां पर देख सकते हैं। जैसे यहां पर कुछ निर्देश वगैरह लिखे हुए हैं फ्रेंड्स, ये इस पोर्टल से संबंधित है तो आप इन्हें चाहे तो पढ़ सकते हैं फ्रेंड्स या चाहे तो रहने भी दे सकते हैं। उसके बाद आप देखेंगे फ्रेंड्स यहां पर इतने पोर्टल पे हमें मेन काम रहेगा फ्रेंड्स। सबसे पहले आप देखेंगे जाँच हेतु लंबित आवेदन, उसके बाद जाँच हेतु लंबित हितलाभ आवेदन, उसके बाद रिपोर्ट्स वाला। तो हितलाभ आवेदन प्रबंधन प्रणाली वाला ये ऑप्शन है। तो आप सबसे पहले क्लिक करेंगे फ्रेंड्स जांच हेतु लंबित आवेदन में। तो हमने चलिए जांच हेतु लंबित आवेदन पे कर लिया है क्लिक। उसके फ्रेंड्स इस पोर्टल में बहुत ज़्यादा ऑप्शन नहीं है, इसमें लिमिटेड ही ऑप्शन है और हमें इसमें काम भी लिमिटेड ही करना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे जाँच हेतु लंबित आवेदन पर आप क्लिक करेंगे। उसके बाद आप देखेंगे जाँच रिपोर्ट जारी करें। तो जाँच रिपोर्ट जारी करें वाले ऑप्शन पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपकी ग्राम पंचायत में जितने भी लोगों ने फ्रेंड्स आवेदन किए हुए हैं संबल के लिए वे सारे आवेदन आपके सामने यहाँ पर शो होने लगेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर जांच रिपोर्ट जारी करें वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है। ग्राम पंचायत आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे, गांव सेलेक्ट कर लेंगे और महिला पुरुष वाइस भी आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद सदस्य सूची देखे में क्लिक कर लेंगे। और यदि फ्रेंड्स यदि आप ऐसे ही देखना चाहते हैं तो आपकी ग्राम पंचायत में जितने भी यहाँ पर आवेदन हुए होंगे फ्रेंड्स वो सारे आवेदन की जो सूची है फ्रेंड्स वो आपको यहाँ पर दिखाई दे जाएगी। आप यहाँ से देख सकते हैं
सारे आवेदन की जो सूची है फ्रेंड्स वो आपको यहाँ से दिखने लगी है। जैसे फ्रेंड्स हमारे इस ग्राम पंचायत में यहाँ पर 12 लोगों ने अभी तक आवेदन कर चुका है, देख सकते हैं। और यहाँ पर आप सबसे पहले देखेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन है, आप यहाँ देखेंगे आवेदन क्रमांक दिखेगा, समग्र आईडी दिखेगी, परिवार आईडी दिखेगी, नाम दिखेगा, आयु दिखेगी, महिला है या पुरुष दिखेगा, और किस नियोजन में उन्होंने आवेदन किया है या वो क्या काम करते हैं आपको वो दिखेगा। तो चूंकि अब इसके बाद हमें फ्रेंड्स यहाँ से अब इनकी जांच रिपोर्ट जारी करना है, तो सिंपली आप यहाँ से इस प्रोसीड वाला जो येलो कलर का आपको ये प्रोसीड वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है, आप यहाँ पर करेंगे क्लिक। मान लीजिए हमें फ्रेंड्स इनकी जांच रिपोर्ट जारी करना है, तो आप इनके सामने यहाँ पर प्रोसीड वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेंगे। तो चलिए हम प्रोसीड वाले ऑप्शन पे फ्रेंड्स क्लिक जब आप करेंगे, तो जो जिस व्यक्ति ने आवेदन किया है या आवेदक की सारी डिटेल वहाँ पर आपको नाम, जन्म दिनांक, फोटो सारी चीज दिख जाएगी फ्रेंड्स, किस काम के लिए आवेदन किया है, क्या काम करते हैं, जो नियोजन है वो दिख जाएगा, तो सारी डिटेल वहां पर शो हो जाएगी। देखिए फ्रेंड्स जब आप प्रोसीड वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो श्रमिक की सारी डिटेल यहां पर ओपन होकर आ जाएगी, और आपको फ्रेंड्स उसके बाद नीचे स्क्रॉल करना है, उसके बाद मिडिल क्लास, कौन सी क्लास तक पढ़े हुए हैं श्रमिक, उसके बाद नियोजन क्या है, क्या आयकर दाता है नहीं है, ये सारी डिटेल आपको यहाँ पर दिख जाएगी फ्रेंड्स। उसके बाद आपको नीचे स्क्रॉल करना है, जब आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर सारे सदस्यों के नाम आप यहाँ पर देख सकते हैं, परिवार के सारे सदस्यों के नाम दिख जाएंगे। और आपको फ्रेंड्स मेन काम अब यहाँ पर हमें इस तरह से जांच रिपोर्ट जारी करें वाले ऑप्शन पे कर लेना है क्लिक। यहाँ पर आपको सबसे नीचे स्क्रॉल करेंगे तो ये जांच रिपोर्ट वाले ऑप्शन पे आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिल जाएगा। उसके बाद फ्रेंड्स जो मैंने आपको वीडियो में फर्स्ट में बताया था कि जांच रिपोर्ट वाला पीडीएफ, प्रमाणीकरण वाला पीडीएफ और ये कथन वाला पीडीएफ आपको यहाँ से, इसके बाद फ्रेंड्स आप यहाँ पर देखेंगे चूज फाइल वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर लेना है। तो चलिए हम चूज फाइल वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ से आप अपनी फाइल में आपने जहाँ भी उस पीडीएफ को रखा है यहाँ से एक एक करके सारे तीनों पीडीएफ यहाँ से आपको अपलोड कर लेना है। उसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे फ्रेंड्स यहाँ पर एक रिमार्क वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है, तो आप यहाँ पर हिंदी में यहाँ पर पात्र है या फिर आवेदक, आवेदक या आवेदक पात्र है या फिर श्रमिक पात्र है, यहाँ से आप श्रमिक पात्र हैं करके यहाँ से आप सेलेक्ट कर लेंगे। तो आप यहां से श्रमिक पात्र है करके टाइप कर देंगे फ्रेंड्स, और उसके बाद आप देखेंगे फर्स्ट वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है इधर से लेफ्ट साइड में फ्रेंड्स, रिकमेंडेशन फॉर अप्रूवल, रिकमेंडेशन फॉर अप्रूवल, तो इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद फ्रेंड्स आपके सामने एक कन्फर्मेशन का ऑप्शन आ जाएगा। तो चलिए हम फ्रेंड्स सारे तीनों पीडीएफ को अपलोड कर देते हैं, यहाँ पर श्रमिक पात्र है इस रिमार्क में लिख देते हैं, और उसके बाद रिकमेंडेशन फॉर अप्रूव वाले ऑप्शन पे क्लिक। फ्रेंड्स जब आप रिकमेंडेशन फॉर अप्रूव वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो इस तरह के आपके सामने कन्फर्मेशन मैसेज आ जाएगा, पंजीयन हेतु अनुशंसा की गई, यहाँ से आप सक्सेस वाला ऑप्शन आपको दिख जाएगा, इसका चाहे तो आप स्क्रीनशॉट भी लेके रख सकते हैं फ्रेंड्स, और यहाँ पर आपको पूरा दिख जाएगा कि पंजीयन हेतु अनुशंसा की गई। और उसके बाद फ्रेंड्स ये नाम जो है वो जो ग्राम पंचायत लॉगिन में जो सूची है फ्रेंड्स आवेदकों की वहाँ से भी हट जाएगा फ्रेंड्स। तो इस तरह से फ्रेंड्स ये पूरी प्रोसेस थी कि संबल के लिए आपका संबल का सत्यापन आपको कैसे करना है। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स वीडियो आपको पसंद आया।